Hello beautiful souls, good morning, what's up? I hope you all are doing extremely well. So once again, welcome back to my channel. This is Karvika and you are watching Creative Karvika. So friends, in today's video, we are going to talk about this Bringadi Intense Hair Oil Hair Treatment from Kama Ayurveda. सो इट्स माई फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कामा आयुर्वेदा. और जब मैंने ये प्रोडक्ट को यूज़ किया परचेज़ किया था, तो मैंने इसके साथ कुछ और कामा के प्रोडक्ट्स भी परचेज़ किए थे, जिनका रिव्यू भी मैं आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स बिलो एवरेज हैं. फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की. बट इसके बारे में बात करने से पहले, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज हमारे हेयर ही हैं जो हमारी पहचान होते हैं. बॉयज़ को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इवन बॉयज़ को भी, कुछ बॉयज़ को भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन कंपेरिटिवली अगर आप बात करें गर्ल्स वर्सेज़ बॉयज़ की, तो गर्ल्स के हेयर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. सो मैं बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल से, हेयर प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कुछ हेयर ट्रीटमेंट लेने का. बट डॉक्टर के पास जाने से पहले आई हैड डिसाइडेड कि मुझे खुद से कुछ करना है. तब मैंने जाके ये कामा आयुर्वेदा का ब्रिंगादी इंटेंस हेयर ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया है. और आज इसे यूज़ करते हुए अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो चुका है, जिसके बाद मैं इसका रिव्यू देने जा रही हूँ. तो इट्स अ 1 मंथ रिव्यू, इट्स नॉट अ फाइनल रिव्यू. जब आपको बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होने लगता है, तो आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट पर जाते ही हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको हैवी कंसल्टेशन फ़ी पे करते हैं. सो मैंने सोचा कि आई शुड ट्राई दिस, और मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ट्रीटमेंट. और अगर ये काम नहीं करेगा या ये काम नहीं करता, देन आई विल गो टू डॉक्टर्स. इससे पहले कि मैं इस हेयर ऑयल के बारे में कुछ भी बात करूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, बिकॉज मैंने इसे ऑफलाइन लिया था, तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आया था. इट्स 10th of February जब मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ. इसके साथ मैंने शैम्पू भी बाई किया था, बट उसका रिव्यू हम बाद में करेंगे. तो इस हेयर ऑयल को आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अपनी फिंगर टिप से अच्छे से आपके स्काल्प में मसाज करना होता है. आप मेरे फेस पे देख सकते हैं उदासी, ये हेयर फॉल की टेंशन थी. सी, आप देख सकते हैं मेरा हेयर फॉल कितना ज़्यादा हो रहा था. मेरे सारे के सारे बाल मेरे हाथों में आ जाते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात थी. सो नाउ इट्स अ सेकेंड टाइम जब मैं इस हेयर ऑयल को यूज़ कर रही हूँ. मैं इसे वीक में 3 बार यूज़ देख चुके हैं मैं कितने सीवियर हेयर फॉल से सफ़र कर रही थी या अभी भी कर रही हूँ. सो अब मैंने ये हेयर ऑयल परचेज़ किया था 7th of February को. 10th of February से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. एंड आज है 20th of March जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो लगभग 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है इसे यूज़ करते हुए. सो अब मैं बात बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ 1 मंथ एक्सपीरियंस विद दिस हेयर ऑयल, विद दिस हेयर ट्रीटमेंट. सो हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की, इसके प्राइस की, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके रिजल्ट्स की. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, इट्स अ 250 ml, जिसके लिए मैंने पे किया था 1295, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है, बिकॉज इट्स अ हेयर ट्रीटमेंट. ये सिंपल हेयर ऑयल नहीं है, ये आपको श्योर करता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए. ये 100% नेचुरल है ये काम, क्योंकि एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है. इसको यूज़ करने का सही तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बट इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि इसके 1 मंथ के रिज़ल्ट कैसे हैं और मैं आगे इसे यूज़ करने वाली हूँ या नहीं. तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा थिक फॉर्मूला है कंपैरेटिवली बाकी हेयर ऑयल से, थोड़ा सा ये थिक रहता है. और इसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं.
सो गाइज आप देख सकते हैं मेरे हेयर की थिकनेस कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल थिन हो चुके हैं. तो बिकॉज बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था तो ऑब्वियसली ये होना ही था. सो इट्स अ आयुर्वेदिक फॉर्मूला, तो इसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं. और अगर बात करें इसकी स्मेल की, तो गाइज अगर आप आयुर्वेदिक चीज़ों की स्मेल, हर्ब्स की स्मेल को नहीं ले पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे. लेकिन मुझे इस तरह की स्मेल बहुत अच्छी लगती हैं तो मुझे इस तरह इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका पहले आप ट्रायल पैक ही यूज़ करें, अगर आप यूज़ करने का सोच रहे हैं इसको. इतना बड़ा पैक बिल्कुल लेके अपनी मनी वेस्ट ना करें, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो इसके साथ फ्रेंड्स मैंने शैम्पू भी लिया था. तो शैम्पू को इसके साथ यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. और इसको कैसे, इसके बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए इसको कैसे यूज़ करना चाहिए मेरी अपकमिंग वीडियो में आप देखेंगे. अभी हम बात करेंगे कि एक मंथ में इसने अपना कितना रिजल्ट दिखाया है. तो गाइज इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली अभी इतना यूज़ कर चुकी हूँ, इफ़ यू कैन सी. तो वन मंथ में आपको इसे इतना ही यूज़ करना होता है, नो मैटर आपके हेयर लेंथ कितना है, क्योंकि इसको आपके अपने स्काल्प में अच्छे से मसाज करना होता है. लेंथ पर बहुत ज़्यादा आपको इसको नहीं लगाना है, आप इसे टिप्स पे लगा सकते हैं और स्कार्फ पे आपको रब करना है. तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है. तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये चीज़ अच्छी है इसकी. सो अगर बात करें इसके रिजल्ट्स की, तो फ्रेंड्स इसने मेरा हेयर फॉल सिर्फ और सिर्फ 10-20% कम किया है. बट इट इज़ नॉट दैट बैड बिकॉज इट्स ओनली वन मंथ रिव्यू. तो एक महीने में अगर आपका हेयर फॉल 10-20% कम होता है, मुझे जो फील हुआ, तो इट्स नॉट अ बैड डील. बहुत ज़्यादा हेयर फॉल मेरा नहीं रुका है, लेकिन ये रुकना स्टार्ट हो गया है. तो मैं वन मंथ में इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ को काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ये 3-4 महीने लेगा एटलीस्ट अपने अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए. सो आई विल वेट फॉर दैट कि जब ये बहुत ही अच्छे अपने रिजल्ट्स देगा और मेरा हेयर फॉल 80-90% कम हो जाएगा. बट क्या ये हेयर फॉल इससे ज़्यादा कम करेगा या यहीं पे रुक जाएगा, इसको यूज़ करने के बाद मुझे समझ में आएगा. तो इसका फाइनल रिव्यू मैं आपको दूंगी इसे 3 महीने यूज़ करने के बाद, और इसके शैम्पू को भी यूज़ करने के बाद मैं इसके शैम्पू का रिव्यू भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको इस प्रोडक्ट पर अपनी मनी लगानी है या नहीं लगानी है. बिकॉज अगर इतना महंगा प्रोडक्ट लेने के बाद भी अगर आपके हेयर फॉल में 50% भी असर नहीं पड़ता है, तो आई थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी. तब तक के लिए आप इसको यूज़ करने के लिए वेट कर सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर फॉल से निकल रहे हैं तो आप इसका ट्रायल पैक, क्योंकि कामा हर चीज़ का ट्रायल पैक आपको देता है, ट्रायल पैक यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि हेयर ऑयल से कोई कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो आप डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं. बट या गाइज, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप उसके लिए आराम से बैठे ना रहें, आप उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें. मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी जब मैंने इसको चूज़ किया. अभी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसके रिज़ल्ट से, क्योंकि हेयर एक ऐसा इशू है जिसके लिए आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हो. आपको ऑब्वियसली टेंशन होती है बीइंग अ गर्ल, ये ही हमारी पहचान होती है. तो जितने ज़्यादा आपके हेयर हेल्दी होंगे, सुंदर होंगे, आप उतने ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखोगे. सो ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फ्रेंड्स, यू नो. तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना, अगर आप लोग इस तरह की कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करना चाहिए. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस. तो अब हम मिलेंगे इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से प्रोडक्ट का या ख़राब से प्रोडक्ट का रिव्यू लेके. तब तक के लिए खुश रहिए, औरों को खुश रखिए. बाय बाय.